आठ साल बाद दिवाली के अवसर पर केंद्रीय जेल भोपाल में फिर लापरवाही दोहराई गई है। जी हां, आठ साल पहले दिवाली के दिन सिमी के आतंकी जेल ब्रेक कर फरार हुए थे। दिवाली के बाद जेल के अंदर ही राजेश नाम के खूंखार कैदी ने आईएसआईएस के शाहिद नाम के आतंकी पर जानलेवा हमला कर दिया। सेंट्रल जेल के अंदर ही राजेश नाम के खूंखार कैदी ने आईएसआईएस आतंकियों से तार जुड़े होने के आरोप में जेल में बंद शाहिद पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक खूंखार कैदी राजेश पहले भी जेल के अंदर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आईएसआईएस से संबंध होने के आरोप में शाहिद को एनआईए ने जून 2023 में जबलपुर से गिरफ्तार किया था। घटना आज सुबह की है। गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज होने वही इधर सेंट्रल जेल प्रबंधन का कहना है कि दोनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए दोनों को जेल अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोपी राजेश ने अपनी हथकड़ी से शाहिद के सिर पर हमला किया है। हमले से शाहिद को सिर में चोट लगी है। कोर्ट के निर्देश के बाद शाहिद को जेल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजेश को भी इलाज के लिए वहीं रखा गया था। बता दें कि जेल में कैदियों के बीच मारपीट की पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी जेल के भीतर मारपीट की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाँ, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास कि लगभग 7 बजे के आसपास बाखंड के मानसिक वार्ड में मानसिक जो बंदी होते हैं जिनका मानसिक उपचार चलता है, ऐसे बंदियों को रखा जाता है उसी वार्ड में। और अन्य बंदी थे मानसिक उपचार रत थे, उनमें से 2 बंदी थे, एक राजेश पिता मुकेश और दूसरा था साहिद पिता नईम, जो सभी मानसिक बंदी हैं। इनको जब सुबह नहाने धोने के लिए निकाला गया था, उसी बीच जो राजेश है उसने नहाने धोने के बाद जब बाड़े में आया तो किसी बात को लेके शाहिद नईम के साथ मारपीट कर दी और उसके सिर पे हल्की सी चोट आई, ब्लड निकलने लगा, इसलिए उसको उपचार के लिए यहाँ अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने कहा कि चूंकि ब्लड निकल रहा है इसलिए इसको बाहर हमीदिया दिखाया जाए, डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे इसलिए उसको हमीदिया अस्पताल उपचार कराया गया। और चूंकि बंदी ने उससे मारपीट की थी, चोट थी सिर में, इसलिए उसकी एफआईआर दर्ज कराई गई है। सर, राजेश का क्या बैकग्राउंड है उसके सारा? राजेश पूर्व में भी जेल में अपराध कर चुका है और 2 घटनाएँ उसके द्वारा की जा चुकी हैं, इसलिए उसे हथकड़ी में रखा जाता है, निरंतर हथकड़ी में रखा जाता है। सर, साजिद जिसका नाम आ रहा है, साहिद, हाँ शाहिद, वो बताया जा रहा है कि सर आतंकी था और एनआईए ने जबलपुर से उसको गिरफ्तार नहीं किया। अब साहिद जो है देशद्रोह की धारा में हमारे यहाँ है, लेकिन किस उसमें है ये हमें नहीं पता, लेकिन देशद्रोह की धारा में है वो। भाई साहब, बिजनेस तो आपने खोल लिया, पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। आप पुराने तौर तरीके भूल जाइए, जमाना बिल्कुल बदल गया है। आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी शोरूम के साथ साथ शॉपिंग मॉल या फिर किसी भी तरह के बिजनेस का जोरदार और धमाकेदार ऑडियो या वीडियो तैयार कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, हम देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान। जी हाँ, हम हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंट्स एंड पब्लिशर्स, नाम तो सुना होगा। आपके बिजनेस के प्रचार की पूरी गारंटी हमारी। आप हमें व्हाट्सएप करें 7805818606 पर।